है उनको जो फंड मिलता है, खासकर अलग अलग हेड में जिसमें मेडिकल रिम्बर्समेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर है और ऑफिस एक्सपेंडिचर है, और ये जो मिलता है ये जो है इसको इस्तेमाल टाइम पे नहीं किया जाता, फिर ये रह जाता है। इसीलिए इस बार ये कहा है कि जो इनको फंड डिपार्टमेंट्स को मिला हुआ है, चाहे वो मेडिकल रिम्बर्समेंट का हो, चाहे वो मेजर रिपेयर का हो, माइनर रिपेयर का हो, सैलरी का हो, टीए का हो, रेंट का हो या टीटीए का हो, वो जो है टाइम से पहले खत्म करना है। और जो डेडलाइन दी है वो है 20 मार्च की। अगर ये खत्म नहीं हो रहा है मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में, तो 20 मार्च को तक ये सरेंडर करना है वापस सेम हेड में डिपार्टमेंट ने, ताकि 31 मार्च से पहले किसी और डिपार्टमेंट को इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सके, और ताकि ये पैसा लैप्स ना हो। ये डायरेक्शन है सरकार की। अगर इसमें कोई मनी लैप्स हुआ लास्ट में, मतलब अनस्पेंट रह गया, सरेंडर भी नहीं किया और लैप्स हो गया लास्ट में, तो फिर डीडीओ की पर्सनल तौर पे जिम्मेदारी तय होगी, ये कहा गया है इसमें। अगली बात है एनपीएस और ओपीएस के ऑर्डर की। देखिए, राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन की थी, उस नोटिफिकेशन में ये कहा था, 26 जुलाई 2023 की जो नोटिफिकेशन है जिसमें एनपीएस की जगह ओपीएस लागू किया गया था, उसमें ये कहा था कि जिस कर्मचारी को एनपीएस में जितना पैसा या डिविडेंड मिला है, कंट्रीब्यूशन जब उसको वापस आता है, तो वो जो है उसको वापस जमा करवाएगा और सरकार उसको ओल्ड पेंशन एजी के थ्रू देगी। लेकिन हो ये रहा था कि जो इसके लिए हेड दिया था, कंट्रीब्यूशन एंड रिकवरीज टुवर्ड्स पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स 0071, उसमें जो है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बुक नहीं हो रहा है, मतलब खर्चे में जो कमी होनी चाहिए थी वो बुक नहीं हो रहा है जमा करवाती बार। इस कारण जो गवर्नमेंट की टोटल रिसीट है मेजर हेड में वो बढ़ जा रही है। ये टेक्निकल टर्म होती है एक, लेकिन रिसीट अगर बढ़ जाए और वो एक्चुअली बढ़ी हुई ना हो, तो फिर उसका धोखा आगे अकाउंटेंसी में या जो सरकार के रिसीट्स और खर्चे हैं उनको बैलेंस करने में बाद में लगता है, और फिर बाद में ये ऑडिट का एक पैरा बनता है। ऑडिट का पैरा बनने के बाद विधानसभा की कमेटी तक बात जाती है, और वहां तक बात ना जाए इसके लिए ये नई व्यवस्था की गई है। और इसमें डायरेक्शन ये दी गई है कि जो इंस्ट्रक्शन पहले दी गई थी उसको सारे इंश्योर करें, रिकंसिलिएशन और जो ट्रांसफर एंट्रीज हैं वो प्रॉपर की जाएं, ताकि इस तरह की दिक्कत ना हो। ये जो है एनपीएस और ओल्ड पेंशन को लेकर एक व्यवस्था थी उसमें हुआ है। भाजपा विधायकों पर एक संकट की बात जो है वो हमने आपको कल बताई थी, कल आज के अखबार में भी छपी है। बेसिकली पहले पता चला था कि जो ये प्रिविलेज कमेटी है जो डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता वाली होती है, उस प्रिविलेज कमेटी को स्पीकर की तरफ से शिकायत दी गई है, और उसके बाद वो प्रिविलेज कमेटी उसमें देख रही है, लेकिन वो बात नहीं थी, स्पीकर ने वो अपनी शिकायत वापस ले ली थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस के जो विधायक है नाहन के, अजय सोलंकी, उन्होंने शिकायत दी है प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट नोटिस की, और वो शिकायत जो है किस रूल में है वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। और ये जो 9 विधायक हैं उनके खिलाफ है, बीजेपी के जो 9 विधायक हैं, और ये जो शिकायत है, पिटीशन है, ये है, अभी देखिए जो रूल कोट किया गया है इसमें वो है अंडर रूल 79 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हिमाचल प्रदेश असेंबली, और जो एक्शन सीक किया गया है अंडर आर्टिकल 194 ब्रैकेट में 3 इसके तहत, और ये जो रूल 299, 321 और 323 इनके तहत जो है एक्शन जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अजय सोलंकी की तरफ से शिकायत है। जिनके खिलाफ शिकायत है उनमें है सतपाल सिंह सत्ती, ऊना के विधायक, नाचन के विधायक विनोद कुमार, हंसराज चुरा के विधायक, सुरेंद्र शौरी बंजार के, विपिन परमार सुलह के, त्रिलोक जमवाल बिलासपुर के, इंद्र सिंह गांधी बल से विधायक हैं, लोकेंद्र कुमार आनी से हैं और दीपराज करसोग से हैं। इनके ऊपर आरोप है अजय सोलंकी की तरफ से, जो कि इन्होंने उस दिन जिस दिन बजट था उस दिन और उस दिन उस एक दिन पहले यानी कि 27 और 28 को 2 दिन जो है विधानसभा में काफी हंगामा किया, कागज अंदर फाड़े, जब उनको बाहर भेजने को कहा गया मार्शल के द्वारा तो मार्शल के साथ दुर्व्यवहार किया, इससे जो विधानसभा की गरिमा है उसको नुकसान पहुंचा है, और इस तरह की आरोप लगाए हैं। अब इसमें स्पीकर अपना फैसला देंगे। 18 मार्च तक इनको रिप्लाई देने को कहा गया है, तो जब तक रिप्लाई नहीं आता तब तक इनको इंतजार करना पड़ेगा कि आगे इसमें क्या एक्शन होता है। और लेकिन इस मामले में सस्पेंशन विधायकों की पॉसिबल है, लाइकली है, और इसीलिए बीजेपी इसमें जो अवेलेबल लीगल ऑप्शन है उनको
उनके ऊपर भी अभी देख रही है। अगली अगर बात करें तो वो बात है जो आज थाने में विधायक पेश नहीं हुए हैं, इनकी बात कर लेते हैं। और ये जो विधायक पेश नहीं हुए हैं ये कौन है, ये आपको पता है। जो अभी एक केस चल रहा है जिसको क्रॉस वोटिंग में हर्ष महाजन जीत गए 25 MLA होने के बाद भी, और 40 MLA कांग्रेस के होने के बाद भी अभिषेक मनु सिंह भी जब हारे उसके बाद, क्योंकि 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, 3 निर्दलीय उनके साथ, 9 हो गए और वो सारा गणित बिगड़ गया। उसमें जो कांग्रेस के 2 विधायक हैं यहां से, अर्की से संजय अवस्थी और मनाली से भुवनेश्वर गौड़, इन्होंने शिकायत दी शिमला पुलिस को, बालूगंज में FIR हुई कि क्रॉस वोटिंग के मामले में पैसे का इस्तेमाल हुआ, खरीद फरोख्त हुई और इसमें सरकार को गिराने की साजिश रची गई। इसमें 2 लोगों का नाम है, हमीरपुर के इंडिपेंडेंट MLA आशीष शर्मा और जो गगरेट के कांग्रेस MLA हैं चैतन्य शर्मा के पिता जो हैं रिटायर IAS अधिकारी राकेश शर्मा। इन्होंने अग्रिम जमानत अपनी हाईकोर्ट से ले ली, हाईकोर्ट ने कहा कि वो 15 मार्च को ज्वाइन करें, वहां सुनवाई बालूगंज थाने में पुलिस की जांच में शामिल हो, लेकिन पुलिस वहां SIT के लोग इंतजार करते रहे लेकिन ये आए नहीं, इनकी तरफ से वकील आए और इन्होंने कहा वहां पे कि जो आशीष जो है उनका पेट खराब है और जो चैतन्य के पिता जो है उनका BP आजकल अनसेटल है, तो इस कारण ये आए नहीं। वैसे कल ये मामला हाईकोर्ट में दोबारा से लगेगा 16 को, और फिर 17 को है संडे और 18 को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। जो 6 कांग्रेस के विधायक हैं, बगावत जिन्होंने की है, कि उनकी जो सदस्यता है वो बचती है कि नहीं, तो ये अभी गेम चल रही है। जब ये गेम पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ आएगी तभी पता लगेगा कि आगे क्या होता है। वैसे मुख्यमंत्री आज शिमला जिले के दौरे पे थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू रामपुर गए, रामपुर के बाद कुमार सेन गए जो ठियोग विधानसभा क्षेत्र का था, तो 2-3 जगह इन्होंने आज जाना था और वहां पर जो ये बागी विधायक हैं इनके ऊपर हमला करते रहे, ये भी कहा कि इनकी सरकार को गिराने की साजिश की गई, वह तो जो गरीब लोग हैं उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए जो भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं आया इसलिए उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की कई बातें कही। जो लोकसभा चुनाव का कोड लगने से पहले ये पूरे प्रदेश में घूम के एक पिक्चर बना रहे हैं, उसी के तहत इन्होंने आज शिमला जिला में भी यही बात कही। और इस दौरान विक्रमादित्य सिंह रामपुर में उनके साथ थे और जो वहां से ये जो विधायक हैं नंदलाल वो भी वहां थे। जहां तक बात है जो HPS पुलिस अधिकारियों के तबादले की, 9 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है, 5 को नियुक्ति मिली है और लोकसभा चुनाव से पहले ये ऑर्डर जारी हुए हैं। इसमें आप विस्तार से, वैसे सोशल मीडिया पे चल ही रहा है, वैसे कल आप दिव्य हिमाचल में इस बारे में विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। जहां तक बात है इंटर डिस्ट्रिक्ट कोटा को लेकर, जिसको लेकर कुछ पोर्टल्स पे कुछ चीजें अलग से चल रही हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट थी कि आप इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। बेसिकली जो CNB कैटेगरी और JBT जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है इनके लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट कोटा होता है जो अभी से चल रहा है, और इसकी नोटिफिकेशन हुई थी 20 नवंबर 2021 को, 5% का ये जो कोटा था इंटर डिस्ट्रिक्ट का, और इसमें आज रिलैक्सेशन दी गई है। और रिलैक्सेशन में ये कहा गया है कि जो म्यूचुअल बेसिस ट्रांसफर हो रही है इंटर डिस्ट्रिक्ट दोनों में, CNB और JBT में, तो उसको इंटर डिस्ट्रिक्ट कोटा जो 5% है उसमें नहीं माना जाए, काउंट नहीं किया जाएगा, 2 शर्तों के साथ। पहली बात यह कि जो वाइस वर्सा ट्रांसफर है वो उसी स्कूल में मानी जाएगी, और दूसरा यह कि जो वाइस वर्सा उसी स्कूल में टीचर गया वो अगले 3 साल तक वहां से बदला नहीं जाएगा। बात भी सही है, वजह इसमें यह है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए एक ने शिमला और मंडी के बीच में ट्रांसफर करा ली 2 लोगों ने, तो दोनों में जो टोटल कैडर स्ट्रेंथ है वो तो चेंज हुई ही नहीं, क्योंकि यहां भी टीचर मिल गया वहां भी मिल गया, तो जो टोटल कैडर का 5% है वो उसमें कवर नहीं हुआ, इसलिए उसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और इसका फायदा ये होगा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर खुलने के बाद इतने सारे तबादले हो गए कि जो 5% का कोटा है वो ओवर रूल हो गया था एक तरह से, तो इसीलिए ये रिलैक्सेशन एक तरह से नई क्लैरिफिकेशन के साथ देनी पड़ी और अब इसमें क्लैरिटी हो गई है। जहां तक बात है इसके बाद बिजली दरों पर फैसले की, देखिए बिजली की दरों को लेकर एक बड़ा फैसला ये हो गया है कि अभी जो रेगुलेटरी कमीशन है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसने अभी अपना टैरिफ देना है इस साल अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, और 30 मार्च को पॉसिबली उसमें नया टैरिफ आएगा जिसमें यह पता लगेगा कि अगले साल के लिए बिजली दरें क्या रहने वाली हैं।
अभी अगर हम बात करें तो 125 यूनिट तक तो फ्री है, क्योंकि जो दर भी दी गई है उसमें सरकार सब्सिडाइज कर रही है। अगले दो यूनिट, दो स्लैब जो है उसमें भी राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी है। अब दिक्कत ये थी कि अगर जैसे कल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है और 30 मार्च को जो टैरिफ आएगा उसमें अगर टैरिफ बढ़ गया तो जो बढ़ा हुआ टैरिफ है वो कंज्यूमर पे लगना है और बीच में सरकार कोड ऑफ कंडक्ट के कारण अपनी सब्सिडी बढ़ा नहीं पाएगी। तो इसीलिए पिछली कैबिनेट में ये डिसीजन हो गया है कि जो भी टैरिफ एक्स्ट्रा होगा उसको सरकार ऑन करेगी। तो उसका असर ये होगा अब कि 1 अप्रैल से जो घरेलू उपभोक्ताएं हैं, टैरिफ चाहे जो मर्जी आए, उनका जो रेट है बिजली का वो नहीं बढ़ेगा। ये बड़ी राहत होगी। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई चीज हो जिससे लोगों के ऊपर वजन पड़े और जो ये टैरिफ है वो बढ़े। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 980 और 981 की। देखिए कैबिनेट और कैबिनेट सब कमेटी दो अलग अलग मामले हैं। कैबिनेट की बैठक आज लाइकली हो सकती है शाम को या फिर कल सुबह होगी, लेकिन एक बैठक करने की तैयारी है। अब ये पता नहीं है कि कौन सा इमरजेंसी का एक मैटर रह गया है जिसको करना है कोड ऑफ कंडक्ट से पहले, लेकिन आज सुबह से मुख्यमंत्री कार्यालय और चीफ सेक्रेटरी कार्यालय के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि शाम को कैबिनेट होगी। अभी तक क्योंकि दौरे पे सीएम है, उसके बाद आना है, फिर चीजें आगे होंगी। मेन चीज यह है कि अभी भी जो सचिवालय में दो ही मंत्री थे, कर्नल धनीराम शांडिल और जगत सिंह नेगी, जो थोड़ी देर पहले हमने पता किया था, लेकिन बाकी मंत्रियों को लेकर जो अपडेट है वो अभी हमारे सामने है नहीं। मुख्यमंत्री के साथ जैसा मैंने आपको बताया विक्रमादित्य सिंह सीएम के साथ हैं और जो बाकी हैं वो अवेलेबल होंगे या नहीं वो सारी चीजें भी आपको पता चल जाएंगी। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कैबिनेट जो होगी वो तो हम आपको आज जब भी कैबिनेट होगी उसकी ब्रीफिंग जो है वो लाइव दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या मामले उसमें लिए गए। लेकिन जो कैबिनेट सब कमेटी की बात है वो ज्यादा अहम है। वो ज्यादा अहम इसलिए है कि आज मुकेश अग्निहोत्री ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक करने की कोशिश की दिन को, और उसमें जो आपको पता है 4 अन्य कैबिनेट मंत्री भी साथ में हैं, लेकिन सिर्फ एक मेंबर जो जगत सिंह नेगी हैं वो ही मीटिंग के लिए आ पाए। पर्सनल के अधिकारी भी थे, लॉ वाले भी थे, और डिस्कस हो रहा था पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर। लेकिन ड्राइंग मास्टर के मामले में जो विजिलेंस ने चिट्ठी दी है वो ये कहती है कि ड्राइंग मास्टर के मामले में अभी रिजल्ट घोषित करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही ये जोखिम लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि विजिलेंस ने ये कहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वेरिफिकेशन या एनालिसिस होना अभी बाकी है और जो फॉरेंसिक लैब से पोस्ट कोड 980 में एविडेंस डाटा आया है उसका एनालिसिस अभी चल रहा है। दूसरी बात यह है इसमें कि जो डॉक्यूमेंट जो राइटर या कोई ऐसा होता है, कोई एक्सपर्ट जो फॉरेंसिक के पास नहीं था, पोस्ट खाली थी, तो उसमें इनको टाइम पे रिपोर्ट नहीं मिल पाई। इसीलिए विजिलेंस ने कहा है कि पोस्ट कोड 980 में लेवल ऑफ, या आप कहिए कि जो पेपर लीक का जो दायरा है, कितना जो सफियर है वो कितना है पेपर लीक का, वो अभी बताना जांच एजेंसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसमें अभी इस तरफ को नहीं बढ़ना चाहिए। विजिलेंस की चिट्ठी के बाद कार्मिक विभाग ने भी इस मीटिंग में यही कहा है कि 817 की तरह 980 पर फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये मामला कुछ अलग है उससे, और उसमें मोबाइल जब्त हुए हैं, जो ओएमआर शीट है वो साथ में है, और साथ में इसकी जो लिंकेज है वो 2-3 और पोस्ट कोड के साथ बन रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी कैबिनेट सब कमेटी जो है मीटिंग कर सकती है, अपनी सिफारिशें भी दे सकती है, लेकिन कैबिनेट इन सिफारिशों पे फैसला नहीं ले सकती, ये एक बंदिश जरूर रहेगी। तो ये तो हो गई बात 980 की। 981 है पोस्ट कोड 981 फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट। इसको लेकर लोक सेवा आयोग अब रिजल्ट निकाल रहा है और इसमें दो कैंडिडेट को उन्होंने अभी जो है वो जो रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया है और इनके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए डाला है। ये सेक्शन ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनकी तरफ से ये नोटिस डाला गया है। इस नोटिस का ये मतलब भी हुआ कि इस तरह के जो रिजल्ट हैं अभी लोक सेवा आयोग ही निकालेगा, सिर्फ पोस्ट कोड 817 को डॉक्यूमेंटेशन के लिए लोक सेवा आयोग से वापस लेकर राज्य चयन आयोग को दिया गया है। तो ये अभी तक की अपडेट ये है। अब बात करते हैं इसके बाद इलेक्शन कोड की, जिसको लेकर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर हमारे सामने है। इलेक्शन को लेकर अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग फिगर इसलिए सामने है क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कल लगने वाला है
और कल जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उनके साथ जो दो और लोग हैं उन्होंने आज ज्वाइन कर लिया है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। और 13 तारीख कल जो है 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। 97 करोड़ वोटर होंगे 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में। 10,50,000 पोलिंग स्टेशन होंगे पूरी कंट्री में। 1.5 करोड़ इलेक्शन ऑफिशियल्स होंगे। और इसके साथ साथ जो जो लार्जेस्ट इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज होगी ये ऑफ मैन एंड मूवमेंट के लिए पूरी दुनिया में। तो ये भारत का जो साइज है उसको प्रदर्शित करता है। और हमारे से साइज में चाइना बड़ा है, लेकिन चाइना में इस तरह का इतना रॉबस्ट इलेक्शन सिस्टम नहीं है, और इसीलिए जो ईवीएम सिस्टम है हमारा वो एग्जैक्ट और जो रिजल्ट है वो भी एग्जैक्ट और जो बिना कोई समय गवाए उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये है इलेक्शन का। तो कल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा 3 बजे। पिछली बार 7 चरण थे, इस बार कितने होंगे वो पता नहीं। 2019 में 11 मार्च को लगा था, 2024 में 13 मार्च को लगेगा। और ये आप अब समझिए कि लगभग मई महीने तक, अब इसमें अप्रैल मई दोनों जाएंगे और उसके बाद नई सरकार हमारे सामने होगी। इसके अलावा जो अब चीज है, अब उसकी बात कर लें, और वो है हायर ग्रेड पे को लेकर आगे क्या उम्मीद है। देखिए, हायर ग्रेड पे को लेकर बहुत सारी चीजें अलग अलग स्तरों पे चल रही हैं, लोगों ने डिमांड भी की, मुख्यमंत्री से मिले भी, और भी कई तरह की जो बार बार लोग जो बात है वो करते रहे हैं। जब अभी मुख्यमंत्री फील्ड के विजिट पे जा रहे हैं, चाहे चुनाव क्षेत्रों के दौरे पे, तो वहां भी ये हायर ग्रेड पे वाले कर्मचारी मिल रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार में हायर ग्रेड पे जो उस टाइम का महासंघ था अश्विनी ठाकुर वाला, उन्होंने सरकार से लेके दिला दिया। हालांकि नहीं हो पाया, क्योंकि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनके लिए ऑर्डर पर्सनल ने करने थे, कार्मिक विभाग ने ऑर्डर तब किए नहीं और वो रह गए, बाकियों का हो गया। लेकिन उस वक्त जो महासंघ ने, जो उनके पास ताकत थी, उसका इस्तेमाल करते हुए इस मांग को मनवा लिया था। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि अनोमली हो गई है, और अब इस मांग को कौन पूरा करवाएगा अभी कोई सामने नहीं है। वजह यह है कि जो भी संगठन है कर्मचारियों के, वो एरियर तक भी अभी दिलवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है फाइनेंशियली। दूसरी तरफ बात यह है कि हायर ग्रेड पे को लेकर जो मुख्यमंत्री ने 3 से 4 बार फाइनेंस सेक्रेटरी को ये केस भेजा, उनके साथ बातचीत की, बार बार ये कहा कि इस केस को देखो और इसको करना है, लेकिन जो ट्रेजरी की हालत है वो नहीं अलाउ कर रही है कि कोई और इस तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट जो है इस एक डेट के बाद खोला जाए, अदरवाइज फिर इसको लिमिट करना मुश्किल हो जाएगा। और सिचुएशन ऐसी है कि अब एक्स्ट्रा कोई भी बर्डन लेना पॉसिबल नहीं है अभी, खासकर नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले। और इसमें और क्या क्या दिक्कतें हैं वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक जो फाइनेंस से हमें जानकारी मिली है, हायर ग्रेड पे को लेकर ऑर्डर मुश्किल है, खासकर चुनाव आचार संहिता से पहले तो बिल्कुल नहीं। बाद में क्या स्थितियां आती हैं और कोड हटने के बाद क्या फाइनेंशियल हमारी पोजीशन होती है, ये नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू में पता चलेगा, और उसके बाद ये देखने को मिलेगा कि क्या इसमें फैसला होता है। फिलहाल इसमें कुछ नहीं होगा। अगली बात करेंगे अब, और वो अगली बात है जो फॉर्मूला आया था 0.25 का, वो क्यों था, और उसको रिजेक्ट करवा के या उसको चेंज करवा के कहीं कर्मचारी एसोसिएशंस ने गलती तो नहीं कर दी। और ये सारी चीजें क्लैरिफाई करना इसलिए जरूरी है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ये भी थोड़ा सा एहसास ये होना चाहिए कि अभी हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस दौर से गुजर रहा है। देखिए, इससे पहले कि हम 0.25% के फॉर्मूले पे आए, पहले बात कर लेते हैं 3 किश्तों के एरियर की। और ये 3 किश्तों में एरियर का जो ऑर्डर है वो जो हाईकोर्ट ने दिया, हाईकोर्ट में एक फॉर्मूला दिया राज्य सरकार ने, और इस फॉर्मूले के अनुसार फिर जो है वो उन्होंने मान लिया, और अब ये एरियर दिया जा रहा है 3 किश्तों में, लेकिन ये है सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर्स का। ये मामला बेसिकली है जो हिमाचल हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पटिशन लगी थी जस्टिस संदीप शर्मा की कोर्ट में, जिसमें आज फाइनेंस सेक्रेटरी देवेश कुमार, पशुपालन सेक्रेटरी राकेश कंवर और पशुपालन के जो डायरेक्टर हैं, एनिमल हस्बेंड्री के जो डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार शर्मा, उनको पर्सनली बुलाया गया था कोर्ट में।
कोर्ट में कहा गया जो सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से, देखिए आप इन शब्दों को देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो द स्टेटस दैट दो रेस्पोंडेंट स्टेट इज अंडर ऑब्लिगेशन, मतलब सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा कि स्टेट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे द एरियर्स इन टर्म ऑफ द जजमेंट अलेज्ड टू हैव बीन वायलेटेड, जिस जजमेंट को सरकार पे आरोप लगाया कि वायलेट की गई है उसके मुताबिक उसकी जो ऑब्लिगेशन है एरियर की वो सरकार पर है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी ने माना। बट ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी इन वन गो, हम एक साथ नहीं दे सकते। ही स्टेट्स दैट 50% ऑफ द लाइबिलिटी शैल बी डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 4 days, 4 दिन के अंदर आधा एरियर जो है इन डॉक्टरों को मिल जाएगा। रिमेनिंग 50% जो है शैल बी पेड इन 2 installments ऑफ 25% ईच विद इन अ स्पैन ऑफ 8 months, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25% की शैल बी पेड आफ्टर 4 months यानी ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2024 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलेगी 30 नवंबर 2024 को। Having taken note of aforesaid undertaking given by Principal Secretary Finance, there appear to be no justification to keep the present proceeding alive and accordingly same are closed. केस को बंद कर दिया। इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस अंडरटेकिंग गिवन टू दिस कोर्ट इज नॉट ऑनर्ड पटिशनर्स वुड बी एट लिबर्टी टू गेट द प्रेजेंट प्रोसीडिंग रिवाइव, अगर नहीं मिला तो वो प्रेजेंट प्रोसीडिंग को रिवाइव कर सकते हैं। बेसिकली ये मामला है 4/9/14 जो टाइम स्केल है उसका, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट की पीरियड से मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, और ये एलोपैथी के डॉक्टरों को दे दिया था, डेंटल को दे दिया था, वेटनरी को नहीं दिया था। ये ट्रिब्यूनल ने इनके हक में फैसला दिया, हाईकोर्ट से हुआ, एसएलपी में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से एसएलपी खारिज हो गई, उसके बाद इसको लागू करना था, लागू नहीं हो रहा था, डॉक्टर चले गए कंटेम्प्ट में। अब सेक्रेटरी फाइनेंस ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि एरियर हम 50% 4 दिन के अंदर दे देंगे और बाकी जो है 2 किस्तों में आगे 4-4 महीने की गैप में दे देंगे। अभी देखिए दूसरा जो मामला है शीला देवी वाला, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट होनी है, वो ऑलरेडी जो एग्जीक्यूशन पिटीशन पे लग गया है, और जो ताज मोहम्मद वाला है वो हिमाचल हाई कोर्ट से सरकार की याचिका खारिज होने के बाद लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय गया है। तो ये ह्यूज फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है अब, और इसमें इसको किस तरह से डिस्चार्ज करेंगे ये अब सरकार को देखना है। इन सारी चीजों के बीच में एक ऑर्डर हुआ था कर्मचारियों के एरियर का, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कर्मचारियों के एरियर के ऑर्डर होने की संभावना नहीं है। वैसे कल तक कोई मिराकल हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो पेंशनरों का कल एरियर दिया है जिसमें 75% एंड अबव जो है उनमें 35% उनको इसी महीने मिल जाएगा, और जो 65 साल से ऊपर नीचे के हैं उनको जो है वो उससे कम मिलेगा, 15% या 18% कुछ ऐसा फॉर्मूला है। इसमें पेंशनर्स के एरियर में ही 430 करोड़ जा रहा है, उसमें से 78 करोड़ जाएगा उन फैमिलीज को जिनके पेंशनर्स की डेथ हो गई है, जिनको एक मुश्त भुगतान होना है। वित्त विभाग के पास सिर्फ 200 करोड़ की विंडो थी एरियर के भुगतान को लेकर, लेकिन केवल पेंशनरों पे 430 करोड़ लग गया, इसीलिए अब कर्मचारियों के एरियर के ऑर्डर नहीं हो रहे हैं। 0.2% का जो फॉर्मूला था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हमने इस फॉर्मूले को इसलिए लिया था क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर हुआ था अगले फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से जो शुरू हो रहा था, और इसी ऑर्डर के बीच में मई और जून के महीने में 16th फाइनेंस कमीशन ने हिमाचल का दौरा करना है। 16th फाइनेंस कमीशन को नीति आयोग के जो पहले वाइस चेयरमैन रहे हैं अरविंद पनगड़िया, उनकी अध्यक्षता में गठित किया है भारत सरकार ने, और वो पूरे देश का दौरा हिमाचल से शुरुआत कर रहा है मई या जून के महीने में, उसके बाद बाकी स्टेट्स का दौरा होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी का ये कहना था कि हम इसको इसलिए 0.25% पर मंथ ले रहे थे ताकि हम इसी फाइनेंशियल ईयर में 16th फाइनेंस कमीशन को ये शो करना चाह रहे थे कि हमारी प्रतिबद्ध देनदारी शुरू हो गई है और इसको हमें हर साल अब इंक्रीज करना है ताकि ये देनदारी खत्म हो, इसीलिए हमें इसकी ग्रांट्स में मदद दी जाए, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में। लेकिन वो विड्रॉ हो गई नोटिफिकेशन, और ऊपर से जो 200 करोड़ की एक विंडो रखी थी वो चली गई 430 करोड़ पे ऑलरेडी, तो इसीलिए अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारत सरकार ने अभी जो 1100 करोड़ का लोन आया पिछले कल खाते में, उसके बाद अगला लोन लेने के लिए मार्च के महीने में 31 मार्च से पहले की अनुमति नहीं दी है, तो इसका मतलब हम और लोन अब नहीं ले पाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। पिछले साल 14,000 करोड़ का लोन लिया था, इस साल 7400 करोड़ पे हम
रुक गए हैं, लोन नहीं लिया है। जब पिछला साल 14,000 करोड़ से निकाला और इस साल सिर्फ 7400 करोड़ है, तो आप ट्रेजरी की हालत को समझ सकते हैं। इससे भी बड़ी बात क्या है, आगे दिक्कत क्या है अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में एसबीआई से ओपन मार्केट के जरिए लिया गया 500 करोड़ का लोन वापस किया जाना है, और उसमें जो किस्त है वो जितनी ये डीए और बाकी की किस्त बनेगी जो एरियर, क्योंकि 1 अप्रैल को आएगा डीए का जो देनदारी है, अभी एरियर की तो बाद की बात है, लेकिन जो 4% दिया मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वो जो है 500 करोड़ जो लोन है एसबीआई का वो वापस करना है अप्रैल के महीने में, और अप्रैल में लगा होगा कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें भारत सरकार से भी उस तरह की जो मदद है कोई मिलेगी नहीं, तो एक संकट ये है। इस सब के बीच जो पेंशनर्स के एरियर का ऑर्डर हुआ है, उस एरियर में भी जो ऑर्डर है वो सिर्फ पेंशन के एरियर का है, उसमें लीव एनकैशमेंट नहीं है अभी, उसमें अभी ग्रेच्युटी नहीं है, और उसमें अभी पे एरियर भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनका 4 साल की सर्विस का भी अभी एरियर है, पे एरियर है, और फिर पेंशन का आगे है, तो उसको भी मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि पेंशन्स में सबसे ज्यादा जो लाइबिलिटी है वो लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी की है। तो ये सारी चीजें अभी आपको देखिए बहुत सारी है, और अभी जो कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं वो अलग से है, तो इन सारी चीजों के बीच में जो एम्प्लॉइज का एरियर है उसको लेकर अभी इंतजार करना पड़ेगा। और ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी। अब अगर कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और उसमें कोई बातें अगर उस तरह की हुई तो हम उसको ब्रीफिंग के जरिए आपको बताएंगे, और अगर ब्रीफिंग नहीं हुई तो आप ये मानिए कि फिर कैबिनेट ही नहीं हुई है। तो ये महत्वपूर्ण आज के मामले थे, जितने अवेलेबल थे वो हमने आपको बता दिए। जहां तक टीजीटी रिक्रूटमेंट की बात है तो जो कमीशन वाली है वो तो मैटर ही अलग है, जो बैच वाइज है वो रिजल्ट आ गया है, बाकी जेबीटी और शास्त्री का अब कुछ नहीं होना क्योंकि उसमें रिजल्ट भी नहीं आ सकता, जो सिलेक्शन लिस्ट है वो भी नहीं आ सकती क्योंकि कोड लग गया है और कल से लग जाएगा रादर। तो बाकी मामले अब पूरी तरह से मुड़ेंगे चुनाव की तरफ, और कल के बाद अब सारी चीजें हो जाएंगी। मंडे से जो बागियों का केस लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद पूरी तरह से जो प्रत्याशियों का चयन है, और फिर पूरी तरह से लोकसभा का चुनाव। तो जो सरकारी ये घटनाक्रम है, फाइल वर्क है, इश्यूज हैं, कैबिनेट है, फैसले हैं, ये फिलहाल सारा काम बंद हो जाएगा मई तक।